Assalamu alaikum, this is Boy Shoshakan. Welcome back my channel ST Sensei V. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि एक क्लॉकमोन आ चुका था, लोगों के लाइफ फोर्स यानी कि टाइम छीन रहा था। हीरो और गामामोन मिलके क्लॉकमोन को भगा दिया, सबकी लाइफ फोर्स वापस से उनके पास आ चुकी थी। अब आगे वीडियो के स्टार्टिंग में एक बंद जगह दिखता है, एक बंदा आ रहा होता है सामने से। वो कहता है कि मेरी लास्ट ट्रेन भी छूट गई और कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। ये बंदा ये सब बोलते हुए जा रहा होता है तो पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि बोल के अपनी आँख खोलता है तो सामने किसी चीज़ को देखता है, स्टॉप बोलते हुए रुक जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं रुकता, इसे पूरा पैक कर देता है, मम्मी बना देता है। ये बंदा चिल्ला रहा था, रुको तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। आगे बोलता है कोई मेरी मदद करो, मुझे जाने दो। तो एक बंदा नीचे जमीन में पड़ा हुआ था, वो डर के मारे बोल रहा था मम्मी। कैमरा एंगल चेंज होते ही हीरो का घर दिखाता है। हीरो सो रहा होता है। गामामोन हीरो को उठाता और बोलता है हे हीरो। हीरो उठ के बोलते है कि ये कोई ख्वाब नहीं था, मेरी शक्ल देखो लड़के, मैं कितना थका हुआ दिख रहा हूँ। गामामोन बोलता है कि मुझे भूख लगा है। तो हीरो उसके लिए एक बर्गर लेके जा रहा होता है छुपाते हुए। गामामोन बर्गर खाता है और बोलता है ये कितना टेस्टी है। हीरो बोलता है गामामोन से कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। गामामोन बोलता है कि हीरो बोलता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड कहाँ पर है और मेरे डैड कहाँ है। गामामोन बोलता है कि व्हाट डैड क्या। तो हीरो बोलता है मेरा मतलब कि होगा तो। तो गामामोन बोलता है अच्छा होगा तो। हीरो हंसते हुए बोलता है कि हाँ वो कहाँ पर है। तो गामामोन बोलता है कि उधर। हीरो बोलते हैं कि वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो गामामोन बोलता है कि द डिजिटल। तो हीरो बोलता है द डिजिटल। गामामोन बोलता है कि मोन। हीरो बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गामामोन बोलता है कि मुझे और चाहिए। तो हीरो बोलता है ठीक है मैं कुछ और भी खरीद के ले आता हूँ। ये बोलते हुए जा रहे थे। हीरो बोलते है तुम यहीं पर रुको। तो गैर जैसे खुल जाता है हीरो। तो हीरो के दिमाग में कुछ आता है। तो गामामोन से बोलता है हीरो कि तुम ये गेट खोल सकते हो। गामामोन अपने पर खोलता है तो हीरो थोड़ा चौंक जाता है। वो उड़ते हुए आता है सिलो 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 और गेट खोल देता है। हीरो देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता। कुछ लड़कियां बात करती है और बोलती है कि मुझे ये नॉर्मल मम्मी ही दिख रही है, मुझे अब इनसे डर नहीं लगता। आगे बोलती है कि मैंने अपने जानने वालों से सुना है कि रोड में कोई अनजान मम्मी चलते हुए दिखी है। ये बोलती है कि अगर मैं सच में इससे चलते हुए देख ली तो मैं बहुत डर जाऊंगी। इसी वक्त एक मम्मी बाहर निकल रहा होता है तो एक लड़की देख लेती है। वो लड़की अपने चारों तरफ घुमा के देखती है लेकिन उसे उस वक्त कोई नहीं दिखता। तो उसके दोस्त आवाज देते है ओए। तो लड़की बोलती है कि सॉरी मैं आ रही हूँ। कैमरा एंगल चेंज। हीरो भागते हुए जाता है, उसे एक होलोग्राम दिखता है। हीरो देखता है और बोलते है कि क्या ये डिजिमोन है। अम्मा बोलते है कि ये डिजिमोन है। तो वो डिजिमोन जल्दी से कूद जाता है जंगल की तरफ। तो दौड़ते हुए हीरो जाता है, बोलते है मुझे उसे करीब से देखना है। उसे बुलाता है कि तुम बाहर आओ। तो हीरो ढूंढने लग जाता है लेकिन उसे नहीं मिलता। लेडी आपस में बात करती है, बोलती है कि उस लड़की को देख के वो होलोग्राम से बात कर रहा है। तो वो आगे कहती है कि बहुत ये केयरिंग है जो वो होलोग्राम से बात कर रहा है। हीरो बोलते है कि बाकी सब भी गामामोन को देख सकते हैं। हीरो स्टोर में कुछ खरीदने आता है तो गामामोन बोलते है कि मुझे कुछ अच्छी स्मेल आती है। तो एक आंटी बोलती है कि ये टेस्ट अच्छा है ना। गामामोन बोलते है कि गिमी गिमी। वो लेडी बोलती है ये कितना क्यूट है। हीरो बोलते है कि कोई होलोग्राम नहीं खा सकता ये सब चीजें। आंटी बोलती है रियली ये होलोग्राम है लेकिन ये बिल्कुल असली लग रहा है। तो हीरो जल्दी से निकल जाता है, बोलता है किसी और दिन आप इसे छू के देख लीजिएगा। हीरो एक शांत भरी सांस लेता है। तो हीरो यहाँ पर गामामोन को खिला रहा होता है। तो ये सब खाने के बाद गामामोन और हीरो दोनों घर चले जाते हैं। हीरो मैगजीन में पढ़ता है कि रात को आजकल कुछ मम्मियाँ घूम रही है अंधेरे में। लोग कह रहे कि वो मम्मी बना के लोगों को किडनैप करके लेके भाग जा रहा है। हीरो बोलता है क्या ये भी एक डिजिमोन है। उसी वक्त गामामोन उठ के बोलता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये एक जिबीमोन है। तो हीरो बोलता है इसने मुझे डरा दिया। हीरो बोलता है कि तुम बस एक ख्वाब देख रहे थे। हीरो बोलता है चलो देखते ये चैंपियन का मतलब चॉकलेट है। अच्छा हीरो बोलता है मम्मी नाइट टाइम तो ये एक डिजिमोन है, मुझे और इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। कैमरा एंगल चेंज। म्यूजियम इस बार दिखाया जा रहा है, अंदर की चीज़ें थोड़ी बहुत दिखाई जाती है बीच। उसके बाद हमारा मम्मी बाहर निकल जाता है। लड़की बोलती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और बोलती है कि मुझे अब इस कंपनी को छोड़ना होगा। उसके बाद मम्मी इस लड़की के सामने आता है, बोलते है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, वो है तुम्हारी लाइफ।
मम्मी लड़की को पकड़ के बोलते तुम ऐसा चल रही हो अब तुम चलो। ये बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं तुम सबकी जिंदगी लेने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा। वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। हीरो उन बंदों से कहता है कि मैं अब चलता हूँ, तुम इसे ठीक कर देना। तो आगे वो बंदा बोलता है ठीक है मैं ठीक कर दूंगा इसे। हीरो बोलता है कतरो तुम ठीक हो गए वापस आ गए। तो कोतरो बोलता है कि इतनी सुपर क्यूटनेस थी मेरे साथ तो ठीक कैसे नहीं होता मैं। आगे कतरो बोलता है कि क्या ये होलोग्राम। आगे हीरो म्यूजियम में खुद जाता है और छुप जाता है। तो गम्मामोन टिश्यू पेपर लपेट लेता अपने तब। तो हीरो बोलता है तुम पूरे मम्मी लग रहे हो। हीरो गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन गेट खुलता नहीं है। तो गम्मामोन अपने पावर से गेट को खोल देता है। दोनों गेट खोल के बाहर निकल जाते हैं और मम्मी को आगे पीछे ढूंढने लग जाते हैं। मम्मी हीरो और गम्मामोन के सामने आ जाता है। दोनों देख के थोड़े चौंकते हैं। गम्मामोन नीचे उतरता और बोलता है कि मैं गम्मामोन हूँ। मम्मी बोलता है कि मैं मम्मी मॉम हूँ। बोलते है तो तुम डिजीमोन हो। हीरो मम्मी मॉम से पूछता है क्या तुम्हें पता होगा तो अनुका कहाँ है। मम्मी मॉम बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। हीरो पूछता है कि डिजिटल वर्ल्ड जाने का रास्ता तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। मम्मी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। हीरो थोड़ा उदास होता है। तो मम्मी अचानक से हीरो पर अटैक करता है, उससे खींच लेता है। हीरो बोलता है कि ये क्या चीज़ है, ये है क्या चीज़। मम्मीमोन गम्मामोन को देख के बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें नहीं घुसो तुम। गम्मामोन मम्मीमोन पर अटैक कर देता है। मम्मी गम्मामोन को दीवार के साथ चिपका देता है और चलने लग जाता है। रास्ते में चिल्ला रहा होता है कि मुझे जाने दो। मम्मी हीरो को वहीं ले जाता है जहाँ बाकी सबको रखा होता है। तो हीरो चिल्लाता है मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे सुन रहे हो। हीरो कुछ लोगों की बातें सुनता है कि लोग चिल्ला रहे थे ये अर्थ में क्या चल रहा है, मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता कोई मेरी मदद करो। अब मुझे दिख रहा है कि मैं सिंग कर सकता हूँ, मम्मीमोन बोलता है। हीरो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है सिंग से। तुम सबकी बॉडी और तुम सबकी रूह से मैं मेरी पावर पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं प्योरीफिकेशन अटेंशन इंटरनेट पीस पे कर सकता हूँ। तो बोलता है प्योरीफिकेशन इंटर पीस सिंक बॉडी सोल दोबारा से पैदा होना। हीरो स्कैन तुम दोबारा। हीरो गम्मामोन को थैंक यू बोलता है। मम्मीमोन गम्मामोन को बोलता है तुम छोटे तुम मेरे पेशेंट को मुझसे नहीं छीन सकते। हीरो बोलता है पेशेंट। तो मम्मीमोन पूरा पागल हो जाता है, हर जगह फायर करने लग जाता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूँ। मम्मी हीरो पे और गम्मामोन पे फायर करना शुरू कर देता है। हीरो बोलता है पेशेंट हिल, तो तुम डॉक्टर हो, तुमने एक गलत आइडिया निकाला है सब कुछ ठीक करने का। मम्मी मोन बोलता है कि मैं इंसानों की दुनिया में आया हूँ, मैंने वो सब कुछ देखा है जो इंसान हमारे साथ करते हैं, मेडिसिन वगैरह ह्यूमन वर्ल्ड। मम्मी मोन दोबारा से हीरो पे अटैक करता है। गम्मामोन पे अटैक करता है तो बार बार वो लेजर फेंक रहा होता है गम्मामोन के ऊपर। हीरो बोलता है रुको जरा तुम मुझसे बात करो। मम्मीमोन बोलता है कि मुझे तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दोबारा से गम्मामोन के ऊपर लाइटें लेजर यानी कि फेंकने लग जाता है। तो पूछता गम्मामोन से क्या तुम ठीक हो। गम्मामोन कोई जवाब नहीं देता। तो हीरो बोलता है तुम मुझे जवाब दो गम्मामोन। गम्मामोन बस खानों का नाम लेता है, टूना ब्रेड चीनी। हीरो ये सब सुन के बोलता है गम्मामोन। तो गम्मामोन दोबारा बोलता है द चैंपियन मतलब कि चॉकलेट, मैं तुम्हें दोबारा चॉकलेट खिला दूंगा। भाई इस चीज़ का मतलब है कि अगर ये पूरा फुल हो गया तो इन लोगों को नया अटैक मिल सकता है। गम्मामोन बोलता है कि मुझे और खाना है। ये बोलता है कि मैं हीरो को बचाऊंगा। तो ये फुल हो चुका है तो इन्हें अब नया अटैक मिल चुका है। तो ये शुरू हो चुका है, एवोल्यूशन शुरू होने वाला है, बस स्टार्ट। गम्मामोन एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का नाम आया बीटल गम्मामोन। एवोल्यूशन में गम्मामोन ऐसा दिखता है। तो उसके बाद हीरो के माइंड में एक मूव आता है एयर शॉट। तो हीरो चिल्लाता है एयर शॉट। उसके बाद गम्मामोन अटैक करता है मम्मीमोन के ऊपर, लेकिन इस अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो मम्मीमोन बोलती कि तुम गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो। हीरो बोलता है कि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को नहीं मारता। तो मम्मी मोन बोलती है क्या। मम्मी मोन बोलती है कि तुम इंसानों को कुछ भी नहीं पता, हम जब मर जाते हैं तो हमारी बॉडी मम्मी डिस्प्ले पे चल जाती है। मम्मी बोलती है क्या। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इजिप्ट के मेथड पे यूज़ किया जाता है जो हज़ारों साल पहले था, अब के मुकाबले अब बिल्कुल नहीं किया जाता ये मेथड यूज़। मम्मी सुन के ये नीचे बैठ जाता है और गम्मामोन अपने दोबारा से रियल फॉर्म में आ जाता है। तो हीरो बोलता है कि वो फॉर्म कैसा था। गम्मामोन बोलता है कि अब मुझे भूख लग रहा था। एक लेडी बोलती है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बाद हीरो मम्मीमोन से कहता है कि अब तुम कुछ भी सीख सकते हो। हीरो बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है इस एरिया पे। हीरो आगे बोलते हैं कि तुम जान सकते हो कि असली इंसान क्या होते।
मम्मी मोन हीरो को थैंक यू बोलती है, उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। हीरो और गम्मामोन जब निकल रहे होते हैं, एक डिजीमोन नीचे आ रहा होता है तो हीरो बोलता है क्या सीरियसली, नहीं सच में। वीडियो ख़त्म। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए खुदा हाफिज़।